आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो आपको उसकी नींव मजबूत करनी होगी और वो होगी यहाँ से, ए बी सी से। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं खंजन आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगी। जी हाँ, मैं घोल के पिला दूंगी इंग्लिश, लेकिन आपको इंग्लिश जरूर आएगी, ये मेरा दावा है। और अगर आप आगे के लेवल्स पे हैं, मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल्स या फिर और भी आगे के लेवल्स, तो भी आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं शुरुआत से शुरुआत कर रही हूँ। तो मेरी हर एक वीडियो को आपको देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस। आज आप जो सीखने वाले हैं वो है ए बी सी डी। चलिए करते हैं शुरुआत से शुरुआत। घर तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन टिकते वो ही हैं जिनकी नींव मजबूत होती है। तो उसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं तो उसकी नींव आपको मजबूत करनी पड़ेगी। अंग्रेजी भाषा की जो नींव है वो है ए बी सी, यानी कि ए टू जेड, राइट। और सबसे बड़ी चीज ये जानने वाली है कि बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। ए बी सी डी में गलत प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है? यहाँ कहीं भी यस, यम, यन ये नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट की, या फिर ये कहूं अल्फाबेट्स की। आपको पता है दोनों में क्या सही है, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? वो आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं। आपका आंसर आएगा 26, राइट? यू आर रॉन्ग गाइस। किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है, सिर्फ एक अल्फाबेट। को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये हो जाएगा वर्णमाला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और माला का तो मतलब आप समझते ही हैं, माला। माला बनता कैसे है? फूलों को पिरोकर माला बनता है, तो उस माला में जो फूल होते हैं उन्हें मैं माला नहीं बोलूंगी। अगर मैं माला को तोड़ दूं तो उसके अलग अलग फूल बिखर जाएंगे, तो क्या उन्हें भी मैं ये बोलूंगी ये पहला माला, ये दूसरा माला, ये तीसरा माला? ना, मैं उसे बोलूंगी कि ये पहला फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, पांचवा फूल, इन सबको मिला के बना था ये माला। उसी तरीके से सारे के सारे अक्षरों को मिला के बनता है वर्णमाला, और इंग्लिश में बोले तो सारे लेटर्स को मिला के बनता है अल्फाबेट। इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ना कि 26 अल्फाबेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा याद रखिएगा, एक अल्फाबेट 26 लेटर्स। मान लीजिए एक ममा, 26 बच्चे, ऑलराइट। अब चलिए बात करते हैं प्रोनंसिएशन की, ए बी सी डी की सही प्रोनंसिएशन क्या है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम दो तरीके के इंग्लिश पढ़ते हैं, एक अमेरिकन एंड एक ब्रिटिश। दोनों में सारे अल्फाबेट्स तो सेम है, लेकिन जेड का फर्क है। जेड को ब्रिटिश इंग्लिश में जेड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में जेड को जेड नहीं, जी प्रोनाउंस करते। तो चलिए सीखते हैं प्रोनंसिएशन सही तरीके से कैसे करें ए बी सी डी की। ए बी सी डी ई एफ, इट्स एफ नॉट यफ। एफ जी एच, इट्स एच नॉट यच। आई जे के L, it's L, not yell. Yes, repeat after me, L. M, it's M, not yum. It's M. N, N, not yun. O, P, Q, R, S, it's S. Not yes. S T U V W, it's not W, it's W. X, what? X, not yucks. Y Y Z Z or Z,
जेड. ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब अगर आप कहीं गलत बोलते होंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो अगर आप ए टू जेड अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप आगे जो आपको एक्सेंट अपनानी है, जो आपको एक्सेंट सीखना है, उसके लिए आप तैयार हैं. आगे के वर्ड्स को आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे. अगर आप एक बिगिनर हैं तो आगे आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने हैं जिनकी सही प्रोनंसिएशन जरूरी है अगर आप एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं तो. और अगर आप सही प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी इंग्लिश लर्निंग की तरफ अब आप चढ़ चुके हैं, जो आपकी मंजिल है. और अगली सीढ़ी भी मैं ही लेके आऊंगी मेरी अगली वीडियो में, उसे भी आपको चढ़ना है और बहुत ही समझ के और संभल के. और इतना तो दावा है कि इंग्लिश आप बोलने तो लगेंगे जरूर से. आ रही हूँ जो सीरीज, वो बनेगी बिगिनर्स के लिए और आप वन बाय वन इंग्लिश सीखते जाएंगे. सो ये था पहला स्टेप ए बी सी डी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं लेके आऊंगी, तो मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning and keep smiling. Nothing is tough. Nothing is impossible. Bye for now.